नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। एक बार फिर मैं आपके सामने आ जाऊँ किस तरीके से कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही और किस तरीके से नीमच के लोकल पेपरों में खबर को स्थान दिया गया और उसे प्रकाशित किया। इसके साथ अगर बात करें नीमच पत्रिका की, तो नीमच पत्रिका में जिस तरीके से किसान से कह दिया कि तुम तलवे चाटते हो, कैबिनेट मंत्री सकलीजा के बिगड़े बोल, वीडियो वायरल, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इसके साथ ही बात करें तो गुरुवार से होगी 12वीं की वार्षिक परीक्षाएँ, जिले में आज से 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएँ शुरू, ये खबर यहाँ पर मुख्य से प्रकाशित की गई। इसके साथ ही पूज्य सिंधी पंचायत महिला संगठन ने मनाया फाग महोत्सव, ये खबर यहाँ पर मुख्य से प्रकाशित की गई। इसके साथ ही बात करें घटिया निर्माण के विरोध में सड़क पर बैठे थे कांग्रेस पार्षद, शिकायत के बाद ठेकेदार ने उखड़वाया घटिया निर्माण, किया था विरोध प्रदर्शन, ये खबर यहाँ पर मुख्य से प्रकाशित की गई। रेलवे दोहरीकरण दोनों हिस्सों से शुरू हुए सारे काम, ये खबर भी यहाँ पर मुख्य से प्रकाशित की गई। इसके साथ ही अगर बात करें नई विधा की, नई विधा में तमाम छोटी से बड़ी खबरों को प्रमुखता से स्थान दिया, जैसे कि आज पेश होगा शिवराज सरकार का ई बजट, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की। ग्राम पंचायत मोड़ी का भू अभिलेख, हितधारियों का रिकॉर्ड गायब, ये खबर भी यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की। इसके साथ ही छोटी से मोटी खबरों को जो है उचित स्थान दिया। अगर बात करें दशपुर एक्सप्रेस की, दशपुर एक्सप्रेस ने किस तरीके से खबर को प्रकाशित किया, दावे हुए धूमिल, सड़क निर्माण में नहीं रखा जा रहा है गुणवत्ता का ध्यान, घटिया सड़क बनाने के आरोप लगे तो नपा ने उखड़वाई सड़क, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई। सीएम राय स्कूलों में नर्सरी कक्षा का नहीं होगा संचालन, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई। साथ ही अगर बात करते हैं छोटी से मोटी खबरें जो प्रदेश की खबरें भी, उन्हें जो है प्रथम पेज पर स्थान दिया गया। साथ ही छोटी छोटी जो खबरों को यहाँ भव्य निशान यात्रा आज, इस तरह की तमाम खबरों को यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। वहीं अगर बात करें रतलाम मंदसौर नीमच राज एक्सप्रेस की, तो राज एक्सप्रेस में भी नीमच मंदसौर और रतलाम की छोटी से छोटी एक एक खबर को यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। मालवा दर्शन की बात करें तो मालवा दर्शन में जिस तरीके से जनता के समर्थन और विश्वास ने लिखी विकास यात्रा की इबादत, मयंक अग्रवाल कलेक्टर, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की। चार ट्रक चालकों का हुआ अपहरण, परिजनों ने सौंपा ज्ञापन, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इसके साथ ही छोटी से मोटी खबरें प्रमुखता से मालवा दर्शन में जो है प्रकाशित की गई, उन्हें स्थान दिया गया। इसके साथ अगर बात करें तो राज नीमच भास्कर की बात करें तो भास्कर में किस तरीके से खबर को स्थान दिया, कुंडला से संजीत तक ओवरब्रिज, नीमच से गुजर रहे हाईवे को फोरलाइन में बदलने के लिए विधायकों ने दिया प्रस्ताव, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके घटिया सड़क निर्माण को, जो सड़क निर्माण किया गया था उसको उखड़ा, वो खबर भी जो है नीमच भास्कर में प्रकाशित की गई। इसके साथ ही छोटी से छोटी खबरें जो है, उन खबरों को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रमुखता से स्थान दिया गया। जिस तरीके मैंने आपको बताया किस तरीके से कौन सी खबर ने सुर्खियाँ बटोरी, किस तरीके से जो है यहाँ पर खबरें प्रकाशित की गई। इसके साथ ही बात करें वॉइस एमपी में इन तमाम खबरों को जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया था और बताया था किस तरीके से नीमच में कौन से घटनाक्रम जो है ताज़ा रहे। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।